संक्षिप्त में बताऊं तो डू द बेस्ट यू कैन. एनी सर्कमस्टेंस इन लाइफ डू द बेस्ट. पर्पज ऑटोमेटिकली आता रहेगा अपने आप. यू विल कीप ऑन मूविंग टुवर्ड्स परफेक्शन. टुवर्ड्स परफेक्शन मीन्स मूविंग टुवर्ड्स गॉडलीनेस. For example, आज खाना बनाना है. Put all your heart into it and do it. Exercise करना है. Put all your heart into it. That's all there is. Half-heartedness is incompleteness. And nature cannot tolerate incomplete tasks. Incomplete tasks का हमेशा बोझ बना रहता है. इसलिए हम सुखी चैन से नहीं जी पाते हैं. आधा छोड़ दिया, ढंग से नहीं किया, करना था उसको कभी भी नहीं किया. बहुत लोग आजकल लिखते हैं, खास करके जब कोविड का टाइम था, माँ मर गई, पापा और जी मर गए, उसको मैं कुछ कह भी नहीं सका, माफी मांगना चाहता था, वो भी नहीं हुआ. सो जो करना है उसको कर लो पहले से ही. पोस्टपोन मत किया करो. लाइफ्स पर्पस इज ओनली दिस. डू द बेस्ट थिंग, दैट्स ऑल. प्रार्थना करनी है पूरे दिल से करो. हाफ हार्टेड मत करो. कई लोग हरि ओम हरि ओम हरि ओम भागते हैं स्नान करके. कहाँ जाओगे? सर झुकाते हैं ईश्वर की ओर, मूर्ति की ओर, बाद में उनको वहां छोड़ देते हैं. आप आते हैं भगवान भगवान की जगह मैं चलता हूं. उसको मंदिर में रखना बहुत शांति का विषय है, हृदय में रखना बहुत कठिन है. तो बार बार टाकता रहेगा, इसलिए लोग हृदय की ओर नहीं जाते. हृदय को इतना सुनेगा तो मुझे को परेशान कर देगा वो.